पल अपने। ये लो ये आपकी गरम गरम चाय। सो ये आया है मंडे। गाइस आई होप सब बहुत खुश होंगे, बहुत बढ़िया होंगे, सब अच्छा कर रहे होंगे लाइफ में। नमस्ते सबको, राम राम। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का नया ब्लॉग। आज डेली ब्लॉगिंग स्टार्ट करती हूँ मैं धीरे धीरे करके। सो आज है 18th of October। हाँ अक्टूबर चल रहा है, कल 17th था। तो आपने कल का ब्लॉग नहीं देखा तो पहले आप जाके वो देख लीजिए, तब तक मैं आज का रिकॉर्ड करती हूँ। सो दैट मैंने ब्रश व्रश कर लिया, मैं सोची नहा के एंड देन फिर दिखाती हूँ, मतलब नहाने के बाद नाश्ता करती हूँ। तो मैं नहा के नाश्ता करती हूँ एंड दिखाती हूँ मैं आज के दिन में क्या क्या करती हूँ। ऐसा कुछ हैपनिंग नहीं है मेरी लाइफ में, नॉर्मल रूटीन चलता है, जो चलता रहता है तो मैं वही दिखा देती हूँ आपको। अभी मैं ऐसे कैसा मतलब चेहरा सा स्वेल स्वेल सा सब, मतलब काफ़ी थकी थकी सी लग रही मैं हूँ एक्चुअली थोड़ा सा। तो मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। मैंने नहा लिया है, अब मैं फटाफट पहले दूध गर्म करती हूँ एंड साथ में जो बनाना है आज वो चढ़ाती हूँ। तो मैं दूध चढ़ा दूँ, मूसली खानी है ना, थोड़ा हेल्दी। तो बस दूध गर्म करती हूँ और बैगन रखे मेरे पास ऑप्शन में, तो मैं सोच रही हूँ बैगन का भरता बना लेती हूँ आज। मैं नया स्टाइल का बता के दिखाऊंगी, मुझे आई डोंट लाइक तड़का वाला भरता, आई डोंट लाइक। दिखाती हूँ मैं आपको नया टाइप का। पहले मैं दूध गर्म कर लूँ, नाश्ता अपना प्लेट में निकाल लूँ, देन मिलती हूँ। सो मैं आपको पर नाश्ता दिखाती हूँ और मीनवाइल मैंने बैगन रख दिए भूजने के लिए। दिखाती हूँ बैगन हो रहे हैं, ये मेरी मूसली साथ में ड्राई फ्रूट्स और ये मैं अपना नाश्ता इंजॉय करती हूँ। जब तक कि होते हैं फिर मैं खाना बनाती हूँ। तो खाना बनाते में मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके दिखा दूँगी, क्योंकि खाना बनाते में आई डोंट हैव ट्राइपॉड, एक था तो मेरे फ़ोन का वजन नहीं कैरी कर पाता था जब तक मेरे पास दूसरा फ़ोन था। अब तो नया आ गया आईफोन, तो अभी एक नया खरीदूंगी मैं। जब खरीदती हूँ अनबॉक्सिंग करके भी दिखाऊंगी आपको, मुझे लेना तो है ही, क्योंकि सो दैट मैं इसलिए नहीं दिखा पाती आपको, सब काम करते करते मुझे कैमरा सेट करना पड़ जाता है पहले। तो मैं अभी ऐसे दिखाती हूँ, जब तक मैं ऑर्डर करूँगी देखती हूँ, फिर आपको अनबॉक्सिंग भी दिखा दूँगी एंड तब फिर आपको प्रॉपर ऐसे बनाते हुए भी दिखा दूँगी। ये है वो भरता जो मैं आपको बोल रही थी ना कि मैं बना रही हूँ नए टाइप में, जिसमें मैंने डाला है बैगन, टमाटर भुंजे हुए, बैगन भी भुंजा हुआ, प्याज, धनिया, हरी मिर्ची, लाल मिर्ची एंड नमक। अगर आपके पास नींबू है तो आप वो भी स्क्वीज कर सकते हैं और इन सबको एक साथ मैश कर लीजिए। इनको फ्राई नहीं करना है, इनको सिर्फ मैश करना है। सो मैं अभी इसको मैश करूँगी एंड मैश करने के बाद इन सबको इकट्ठे करके फिर आप रोटी से पराठे से जिससे भी आपको खाना है आप खा सकते हैं, काफ़ी यम लगता है। आप एक बार ट्राई करिएगा, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ बताइएगा। बाकी मैं इसको मिला के रोटी बनाती हूँ एंड देन आपसे मिलती हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा लेट भी हो रही हूँ ऑफिस के लिए। ये रहा मेरा खाना, यमी यमी बैंगन का भरता और मस्त रोटी। और ये रही मैं बाल बांधे हुए, मैं बस अब खाना खाती हूँ, खाना एंजॉय करती हूँ अपना और फिर तैयार होके ऑफिस जाने के निकलती तब आपसे मिलती हूँ। तो मैं भी फटाफट पहले खा लूँ, भूख लगाई है बहुत तेज वाली। तो मैं बस खाना खाती हूँ एंड मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी सी देर बाद। सो मैं हो गई हूँ तैयार और मैं जा रही हूँ ऑफिस। ऑफिस से आके फिर जो पीछे पर्दे रखे हैं ना इनको लगाऊंगी एंड ये है मेरा आउटफिट। मैंने कॉटसेट डाला हुआ है एक। सो मैं बस जाती हूँ ऑफिस एंड देन काम करती हूँ, काफ़ी सारा भी आज कुछ काम है वो सारा करके एंड देन फिर मैं मिलती हूँ आपसे शाम में या ऑफिस में। तो ऐसे में रिकॉर्ड करती ही नहीं हूँ कुछ भी, ऑफिस का तो नहीं करूँगी रिकॉर्ड, बट ऑफिस से आके क्या करती हूँ सब्जी वगैरह खरीद के आऊँगी, वो सारी चीज़ें ये सब जरूर रिकॉर्ड कर लूँगी। सो मैं आपसे मिलती हूँ शाम में एंड देन मैं कैसी लग रही हूँ प्लीज़ बताइएगा। बाकी जेन्युइनली भरता अच्छा था तो आप ट्राई कर सकते हैं। ऑफिस आते ही ये काम चालू, ये मैं ले ली है सब्जी, हथकुल, ककड़ी, मूली और सीताफल। तो मैं आ गई हूँ ऑफिस से और अब मैं पहले सब्जी थोड़ा सा खाली कर दूँ एंड देन फिर मैं आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ, चेंज वेंज कर लूँ एंड देन मिलती हूँ। थका थका सा लग रहा होगा ना एंड अधेरा है पूरे में लाइट ऑन। सो मैं बस सामान खाली कर लूँ, दूध वगैरह लाई उसको गर्म करने के लिए रख दूँ एंड देन मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर साथ, मतलब कुछ करती हूँ तो दिखाती हूँ। अभी मैं आई हूँ कपड़े उठाने, बीइंग अ बैचलर कितने सारे काम होते हैं यार, ऑफिस से आओ सारा सामान रखो, घर पे ये सब कुछ नहीं करना पड़ता है, मतलब
मम्मियाँ रहती हैं ना घर पे सब करने के लिए। तो हम मैं चली नीचे, लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे अजीब लग रहा है। मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी सी देर में। मैं खा रही हूँ अपना फेवरेट फ्रूट जो सीताफल, आज मैं लेके आई थी। आज मेरा मन कर रहा था खाने का, और क्योंकि मैं मम्मी से बात करते करते आई थी तो मम्मी बोली जब मन कर रहा है तो खा लो। मैंने कहा ओके। मैं बहुत टाइम बाद सीताफल खा रही हूँ और मुझे बहुत पसंद है। तो मैं ऑफिस से आने के बाद चेंज वेंज करके अब मैं सीताफल खाने बैठ रही हूँ एंड देन मैं मिलती हूँ आपसे। अब मैं पर्दे लगा लूँ सबसे पहले। कैसे लगाती हूँ तो यहाँ मैं पर्दे सेट कर रही हूँ, और मुझे मेरी हाइट का कभी कभी रिग्रेट होता है, जैसे इस पर्टिकुलर मोमेंट पे होता है। मैंने जैसे तैसे करके ऊपर से उसको नीचे किया एंड देन सब फिलअप जो पर्दे उसको डालना स्टार्ट करा एंड वो पर्दे लगाए। फिर उसके बाद मैंने सोचा खिड़की वाले भी लगा दूँ, कर रही हूँ तो इकट्ठे कर देते, फिर खिड़की वाले लगाए, फिर मैंने सेकंड साइड के भी लगाए, पर मैंने वो रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि दिमाग से निकल गया। फ्लो फ्लो में मैंने सिर्फ इसी एरिया का करा, पर्दे लगा के फ्री हो गई हूँ फाइनली। पर्दे का काम डन, और अब मैं बस देखती हूँ। आज थोड़ा सा मार्केट जाना है, हो पाए, होता है तो देखती हूँ, नहीं होता है तो भी बताती हूँ। जैसा जो ये है मेरे पर्दे, ये वाला यू मार्केट, और मैं अपना जो भी काम है वो आपको दिखाती हूँ। मैं फटाफट, मैं काफ़ी लेट हो गई हूँ तो मैं बस निकल ही रही हूँ। मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर बाद, मतलब मार्केट में मिलती हूँ। बाय बाय। क्लचर इंपॉर्टेंट है गाइस। इतना ज़्यादा रश था मार्केट के, मैंने कुछ ही रिकॉर्ड नहीं करा। मैं बहुत ज़्यादा जल्दी में थी, सामान जो ख़रीदना था मेरे को। बट मैं दिखा देती हूँ कि मैं सस्पेंस रखूँ क्योंकि मुझे घर थोड़ा लेट जाना है। बट मेरे भाई पापा को पता है कि मैं क्या खरीद रही हूँ, तो मैं आपको भी दिखाई देती हूँ कि वही सस्पेंस रखना है ना। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या लाई हूँ मैं पीछे की। इसको हटा दीजिए। ये देखिए मैं ये कुर्ते लाई हूँ, ये पापा के लिए है, ये भैया के लिए है। सेम कलर है क्योंकि हम हर साल ट्विनिंग करते हैं, मतलब सब सेम कलर पहनते हैं। सो, ये सब के लिए आया हुआ है तो हम बढ़िया से, मैं इनको रख लेती हूँ ना, जब जाऊँगी तब पैकिंग करके ले जाऊँगी। या रिद्धि आएगी तो उसके हाथ से भेज दूँगी क्योंकि मैं थोड़ा लेट जाऊँगी घर पर। तो अभी मैं इसकी शॉपिंग करके आई हूँ, और मैं वहाँ दिखाने का मेरा कसम से कुछ फुल प्लान था कि मैं वहाँ जाऊँगी आपको शॉप्स दिखाऊँगी कहाँ से मैंने खरीदे हैं। बट अनफॉर्चुनेटली इतना ज़्यादा रश था, मेरा इतना सर दुख रहा है, आज पता नहीं क्यों दुख रहा है सुबह से। तो मैं ऐसे फटाफट गई एंड मेरा ऑलरेडी प्री सिलेक्टेड था कि मुझे क्या लेना है। मेरे एक फ्रेंड के थ्रू मैंने करवा दिया था अपना काम, सो दैट मुझे बस जाके पिक करना था। बट मैं उसमें भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई, एक्सट्रीमली सॉरी। बट नेक्स्ट टाइम मैं कभी शॉपिंग करूँगी तो मैं फॉर श्योर दिखाऊंगी कि मैं छतरपुर में कहाँ शॉपिंग करती हूँ, क्योंकि मैं नॉर्मली छतरपुर में कुछ भी नहीं खरीदती। सो मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर बाद, क्योंकि मेरा शायद अभी बाहर जाके चाय पीने का प्लान है। आफ्टर सो लॉन्ग मैं शायद 20-22 दिन बाद जा रही हूँ बाहर ऐसे चाय पीने या बैठने, थोड़ा रिलैक्स होने, क्योंकि ऐसे चलो मिलती है आपसे थोड़ी देर बाद। हेलो गाइस, मैं जा रही हूँ इसके साथ। मैं हूँ इनका छोटा भाई, लेकिन उस ब्लॉग की तरह मैं वो नहीं हूँ। क्या बोला था इस ब्लॉग में, मैं भूल गया हूँ। कुछ महीनों में ही अपडेट हो गया है, जैसे फोन अपडेट होता है वैसे इंसान भी अपडेट होता है। इंसान भी अपडेट हो गया है उस बार। थोड़ा मच्योर हो गया है, एज के साथ इंसान मच्योर ऑटोमेटिकली होने लगता है, ऐसा मुझे लगता है। इस बार मैं हो के आया हूँ। और सो मैं आ गई हूँ होम टाउन कैफे एंड अभी तरुण गया हुआ है चाय ऑर्डर देने, और साथ में मेरा ना थोड़ा सा कुछ खाने का मन कर गया। दिन भर से ना कल का भी थक गई थी और मेरे अंदर एनर्जी नहीं है कि मैं जाके कुछ भी बनाऊं, क्योंकि देखो 8:45 तो हो ही गए हैं ऑलरेडी। यहाँ से जाते जाते मेरे को 10 बज जाएंगे, सो दैट मैं सोची हूँ कि बढ़िया जाके कुछ थोड़ा सा खा लेती हूँ। ऑलरेडी मेरा सुबह का भरता एंड रोटी रखी है तो मैं वो खा लूँगी जाके एंड मेरा हो जाएगा फाइनल। तो मैं मस्त हो गया लेने एंड मैं होम टाउन कैफे आई हूँ जो छतरपुर में रहते हैं। प्लीज़ मस्ट विजिट, बहुत अच्छा है, मेरे को टेस्ट अच्छा लगा। एंड अगर आप अपनी कार से आते हो अपनी कार में हो जाता है, आपको देने आ जाते हैं वो लोग। सो मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद, जब तक मेरा ऑर्डर आ रहा है मैं थोड़ा सा फ़ोन चला लूँ, थोड़ा सा एडिट मार लूँ, क्योंकि फिर मुझे आज के आज ही अपलोड भी करना है, क्योंकि आज 18 अक्टूबर है एंड फिर मैं कल का कल बनाऊँगी। बिकॉज मैंने ना खुद से प्रॉमिस करा हुआ है कि मैं डेली ब्लॉगिंग करूँगी एंड मैं करना चाहती भी हूँ। सो मैं अपनी तरफ से कोई भी लापरवाही नहीं बरतना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे लोग टोकते कि तुम फिर डेली कंटेंट नहीं डालते हो, तुम्हारा कंटेंट बहुत लेट डलता है। सो मैं सोच रही हूँ कि डालती हूँ रोज़। पल ये लो, ये आपकी गरम गरम चाय। थैंक यू। मौसम थोड़ा सही में ना बहुत अकल का काम है कि दोस्त में लाए हो ना कि आराम से पकड़ सके, गरम ना लगे। हाँ सो ये आया है मंचूरियन राइस। ओके, ये मैं पहली बार ट्राई कर रही हूँ इनका। सो मैं आपको खा के बता रही हूँ कैसा है, मैं दिख रही हूँ।
फिर मुझे सजेस्ट किया गया है कि खा के देखे अच्छा होगा। अच्छा यार, यहाँ ज्यादा लोगों को चाइनीज बनाना आता नहीं है। आइए गाइज, आप लोग भी खा के देख लीजिएगा। होम टाउन कैफे ओम साईराम पैलेस के पास में, सॉरी जटाशंकर रसोई के पास में, करेक्शन। चलो जा रही हूँ मैं, चलो बाय बाय, खुश रहो, अच्छी बात देते जाओ, खुश रहो। और वो वॉच कर देना मेरी, एक वो वॉच दे देना हाँ, गिफ्ट में। हाँ, हाँ, ओके, ओके, ओके। चलो उसी की वजह से पैर छुए जा रहे हैं। मैंने वो आ गई हूँ वापस, और ये था आज का मेरा छोटा सा दिन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और बने रहिएगा ऐसी मेरे चैनल पर, डेली अपडेट मैं करती रहूंगी आपका।